आसंतु आज बनैबा माछ तरकारी सेथिपई मु गोटे केजी माछ नैछि ताकू काती छोडै कि भलो भाबरे कटाकटी करी कि धुआ धुई कर देछि सेथिरे किछि परिमाणर हळदी गुंड आ स्वाद अनुसार लुण दे कि मु गोळै देछि आपण माने चाहिले एठि किछि परिमाणर लंका गुंड आ अदा रसुन पेस्ट किंबा फूड कलर मध्य देइ परिबे देखंतु हळदी आ लुण पकै मु भलो भाबरे ताकू गोळागोळी कर देली गोळै सारला परे मु ताकू किछि समय रखि देबी देखंतु मोर गोळेबा संपूर्ण भाव प्रस्तुत हो गला मु 5 रु 10 मिनट याकु साइड कर देथिली वर्तमान चालंतु गैस रो फ्लेम ऑन करिके ता उपरे पैन बसेबा वर्तमान देखंतु मो पैन बा करैटा को मोर भला भाबरे गरम हे जाईची गरम हेला परे मु एथिरे किछि परिमाण रो सोरिस तेल दउची कारण मु एठी माछ पीस को गोटी गोटी करी भाजीबी आपण माने चाहिले अधिक परिमाण रो तेल यूज करिके माछ को छाणी परिबे बड़का तेल को स्टोर करिके भी रखि परिबे किंतु मु अल्प तेल यूज करूची वर्तमान तेलटा गरम हे गलानी मु करै चारिपट भला भाबरे खेळै देली कारण माछटा पकेबि गोटे गोटे पीस अन्य साइड रे लागिले काळे लागि जेबो तेनो मते करै रे तेलटा को गरम तेलटा को खेळै देली देखंतु गोटी गोटी माछ पीस को मु एंती वर्तमान छाड़ देली वर्तमान ताकू कोन करबि लेउटा पेउटा करी ताकू ब्राउन कलर हेला पर्यंत भलो भाबरे फ्राई करबि माछ जदि आमे छाणीबा ताहेले सेटा बुडी की रहे तेल रे आ भलो भाबरे छाणी हे जाय किंतु माछ जतला आमे भाजीबा ताकू भलो भाबरे एपट सेपट करके भाजवाक पड़ो कारण दि सैड मछर सीझा दरकार आल भाव में ब्राउन कलर हो भाजी हवा दरकार जाकिर टेस्टा आसो देखो मुझे लेउटे कि भल भाव ब्राउन कलर है पर्यन भाजी आरकारी जब आपको चाहिए मछक बहुत डीप भाजबे कारण से पितुिया अंश पलैस तेणु मरकारी हाल्का ब्राउन कलर है पर्यटन स्लो आंचरे भाजीदेवे देखो प्रायत हो कि समय पर कड़ेर बाहर करदेवि देखु बर्तमान संपूर्ण भाव में तरकारी मछटा भजा प्रस्तुत हो जाए बर्तमान गोटी गोटी पीस कर काढ़ीदेवि बाकी जो मैं भी मुझे पकईकी एमती ब्राउन कलर है पर्यंत मुझे भाजीदेवि तेल को भल भाव निगाड़ी दूसरी तेलटा रही तेल रहीगले भी बेस तेल खाइबा भल नुह तेणु भल निगाड़ी दे कि काढ़ी कौन कर बड़का थी मछ मुंड को आउ लांज को पकईकी भल भाव भाजीदे मुंड आंजटा मुझे जो बड़े भाजे लास्ट को ही भाजे कारण तेलटा लास्ट को सी सब पी जाए तो तेणुक मुझे लास्ट को भाजे भाजी सारापर मुंड को बर्तमान कौन करेंगे आलु भाजबे आलु को जोबले आप तरकार पकेबे आलु को सब बड़े लंबा लंबा भाव में काटा चेष्टा करेंगे लंबा लंबा भाव में काटिले मरकारी आलुर टेस्टा अधिक जमी जाए देखंतु मु लंबा लंबा भाव में काटि नहीं बड़ी से तेल जो भाजी थी से भाजीदेली भाजीदेलापर मसला प्रिपेयर करने मुझे नहीं पियाज अदा सुखिला लंका रसुण आ तार मु गोटे भल भाव पेस्टटे बनई दे आपण मैंने चाहिए वन स्पून जीरा भी पकई पार बर्तमान कई गरम कर तेल पकई से मुझे कौन कर गुजराती डालचीनी पकईदेगी फुटेदी तापर से कौन कर सुखिला लंका गोटे आंचफुटण किसी परिमाण में पकईदेगी कारण ओडिया घर मानक बिना फुटण तरकारी खिया जाए ना तेणु मुझे पकईदी आईटा मत स्वाद को बढ़े दिए फुटीगला बाटिक रखी मसला को मुझे पकईकी भल भाव जारी देखिए मुझे टमाटो भी पकईली टमाटो टमाटोटा को भी पेस्ट कर करदे भल भाव तेणु मत एक्स्ट्रा टमाटो कि एक्स्ट्रा टमाटो प्यूरी पकेबा को पड़ा ना यहाँ को भल भाव कषिदे अधा कषी हेलापर मुझे हलदी आ स्वाद अनुसार लुण कारण लुण मुझे अलरेडी मछ भजार पकई तेणु तरकारी झोलपाई जूस पाई जी दरकार से पकेबे काश्मीरी लंका गुंड पकईकी कलरटा भी बढ़िया नहीं आस देखु मसला को भल भाव एमती कषि कषिदे भल भाव जोबले मसलारु तेलटा छाड़ी है कि आसीबो आपण जानिबे सेतबेले मसला कसिगला देखंतु करैरे तेलटा अलग अलग दिसुची आ मसला अलग अलग दिसुची तेणु बर्तमान एथिरे आमे कोन करिबा भाजिकि रखिथिबा से आलू को पकेकि भल भाव मसला सहित मिसई दबा मसला सहित मिसई सल्ला परे गोटे मिनट रु 2 मिनट ताकु भल भाव घोड़ेकि पुणी गोळागोळी करिकि ताकु कसिदेबे कसिदेला परे सेथिरे किछि परिमाणर गरम पानी माने पूरा फुटिला पानी नहले भी वार्म वाटर आपण माने देबे आपण माने देकि से आलू को पाखापाखि 80% 70-80% सीझिला पर्यंत आपण छाड़ीदेवे एमती पानी से टकर मकर हो फुटेकि पाखापाखि आलुटा 70% कारण भाजला बेले किसी परिमाण सीझे आर्तमान सीझेदे बर्तमान 70-80% सीझीगला सीझीगला मुझे कौन कली भाजिकी रखी मछ पीस को गोटी गोटी कर सैज करके देदेली
ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଇଦେଲା ପରେ ମାଛ ପିସ୍କୁ ଟିକିଏ ଜଷ୍ଟ ହାଲକା ସେ ଆଳୁକୁ ଉପରକୁ ଉଠାଇଦେଲା ପରେ ମାଛଟା ତା ଦେହରେ ଝୋଳ ଦେହରେ ସେଟେଲ୍ ହେଇଯିବ। ସେଟେଲ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ସେଥିରେ କ'ଣ କରିବ, ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟିବାକୁ ସ୍ଲୋ ଆଞ୍ଚରେ କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଫୁଟିଗଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ସେଥିରେ କ'ଣ କରିବେ, ଗରମ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇବେ। ଆପଣ ସେ ଗରମ ମସଲାକୁ ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ଦୋକାନରେ ମିଳୁଥିବା ଗରମ ମସଲା ପାଉଚ୍ ବି ଆଣିକି ଆପଣ ପକାଇ ପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏମିତି ଆଳୁକୁ ଟେକି ଟେକିକି ସେଟ୍ କରିଦେଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ଦେହରେ ଫୁଟିବା ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଫୁଟି ଆସିଲାଣି, ଯେହେତୁ ମୁଁ ୱାର୍ମ ୱାଟର ଦେଇଥିଲି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଫୁଟୁଛି। ଲାଷ୍ଟକୁ ସ୍ଲୋ ଆଞ୍ଚ କରିକି ଛାଡ଼ିଦେବେ ଏମିତି ଫୁଟିବାକୁ କିଛି ସମୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଫୁଟିଗଲାଣି। ଦେଖିଦେବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଳୁଟା ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଝିଗଲାଣି କି ନାହିଁ। ଆଳୁଟା ସିଝିବା ପାଇଁ କେମିତି ଦେଖିବେ ଆପଣ, ସେ ଲୁହା ଖଡ଼ିକାର ଅଗଟାକୁ ପ୍ରେସ୍ କରି କରିକି ଦେଖିଦେବେ ଆଳୁଟା ସିଝିଛି କି ନ ସିଝିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଫୁଟୁଛି ମୋ ତରକାରୀଟା, ଆଉ କଲର୍ଟା ବି ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ପଳାଇ ଆସିଲାଣି। ମୁଁ ଏମିତି ଆଳୁକୁ ଖେଞ୍ଚି ଖେଞ୍ଚିକି ଦେଖିଦିଏ ସିଝିଗଲାଣି କି ନାହିଁ। ଯଦି ଆଳୁଟା ସିଝିଯାଇଛି ଭଲ ଭାବରେ, ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ। ତା ଉପରେ ଗରମ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ, ମୁଁ ପାଉଚ୍ ଗରମ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ନେଇଛି, ଘରେ ବନେଇନି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଘରେ ବି ପ୍ରିପେୟାର କରିକି ଗରମ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡଟାକୁ ପକାଇଦେବେ। ପକାଇଦେଲା ପରେ ଗୋଟେରୁ ଦୁଇ ମିନିଟ୍ ପାଇଁକି ଘୋଡ଼େଇଦେବେ, କାରଣ ଗରମ ମସଲାର ଫ୍ଲେଭର୍ଟା ସେ ତରକାରୀ ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମିଶିଯିବ। ଘୋଡ଼ଣି କାଢ଼ିକି ମୁଁ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ବାଢ଼ି ଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା ମୋର ମାଛ ତରକାରୀ।